आई थिंक कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो कि कहेगा कि मुझे वेट करना बहुत अच्छा लगता है। Well, जिस टाइम में हम जी रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वहाँ हर एक इंसान सब कुछ इंस्टेंटली चाहता है। So really speaking, nobody likes to wait. Come on, जल्दी करो। कोई भी वेट करना पसंद नहीं करता। सच कहूँ तो ये जिंदगी जो है ना, वो एक वेटिंग रूम की तरह है। लाइफ में बहुत सा टाइम हम वेट करते स्पेंड करते हैं, ट्रैफिक में वेट करते हैं, ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं तो लाइन में वेट करना पड़ता है, प्रमोशन के लिए वेट करते हैं, रिलेशनशिप्स को बेटर बनाने के लिए वेट करते हैं, और बहुत सी बार हम वेट करते हैं कि हमारी प्रेयर्स के आंसर हमें मिले। ऐसा लगता है कि हम बहुत सा टाइम जिंदगी के इस वेटिंग रूम में स्पेंड कर रहे हैं, जहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सब कुछ धुंधला लग रहा है। बट यू नो, गॉड देखता है जब हम वेट करते हैं, और मुझे लगता है कि वो कह रहा है कि वो चाहता है कि हम राइट तरीके से वेट करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तरीका, राइट तरीका वेट करने का कौन सा है। अगर आप हिब्रू भाषा में वर्ड वेट का मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग है होप एंड एक्सपेक्टेंसी, उम्मीद और कुछ पाने की चाहत रखना। जिंदगी में सीजन्स ऑफ वेटिंग है। कई बार हमें जिंदगी में फिर भी आगे बढ़ना पड़ता है व्हाइल वी वेटिंग, कई बार हमें भागना पड़ता है और ये सीजन बहुत ही जल्दी बीत जाते हैं, एंड समटाइम्स हमें अपने हालातों से लड़ना पड़ता है। नो मैटर व्हाट, गॉड प्रॉमिस करते हैं कि वो हमें ताकत देंगे और हमारी हेल्प करेंगे जब हम उस पर वेट करते हैं। डिले और वेटिंग बहुत मुश्किल है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है, व्हाई, क्यों, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही क्यों वेट करना पड़ रहा है? आज सब कुछ शायद आपको धुंधला लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। अगर गॉड ने अभी तक आपकी प्रेयर को आंसर नहीं किया है तो बिलीव मी, उसके पास एक बिगर एंड बेटर रीजन है, यहाँ तक कि आप उस पर बिलीव करें। ट्रस्ट मी, उसकी डिले, उसकी डिनायल नहीं है, गॉड का एक खास प्लान है आपकी लाइफ के लिए। और अब सवाल खड़ा होता है कि हाउ डू वी वेट ऑन हिम। सबसे पहले हमें अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स और अपने एटीट्यूड्स को देखना है। आपके थॉट्स आपके वर्ड्स को डायरेक्ट करते हैं और वर्ड्स डायरेक्ट करते हैं आपके एक्शंस को। वेटिंग करते वक्त कई बार हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और बहुत सी बार गुस्सा भी हो जाते हैं, गुस्सा भी आने लगता है। पर मेक श्योर कीजिएगा कि जो भी कुछ आप बोल रहे हैं आप उस पर फोकस करें, क्योंकि वर्ड्स बहुत पावरफुल हैं, ये हमारी लाइफ को शेप करते हैं। ऐसे सिचुएशंस में पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल है, पर नेगेटिव वर्ड्स आपको आपकी मंजिल से दूर ले जाते हैं। अगर आज आप वेट कर रहे हैं तो वेट द राइट वे और राइट एटीट्यूड के साथ वेट कीजिएगा, और बिलीव कीजिएगा कि गॉड आपकी स्ट्रेंथ को रिन्यू करेगा और आपको लिफ्ट अप करेगा जब आप चूज करते हैं कि आप उस पर वेट करें। गॉड जो है वो ना तो कभी अर्ली है ना कभी लेट है, वो हमेशा टाइम पर है।